नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। मैं एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष आ गया हूँ लेकर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न प्रोग्राम। कल मैंने आपको पैटर्न की सिंटैक्स दिया था कि फॉर लूप का सिंटैक्स, नेस्टेड फॉर लूप का सिंटैक्स क्या होगा और कुछ पैटर्न के जो मैजिकल प्रोग्राम है वो कैसे बनेंगे। तो आज ये मैंने प्रोग्राम लिया जो बोर्ड पेपर में कई बार 15 मार्क्स में पूछे गए हैं। ठीक है, कई बार पूछे गए हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जो आज हम आपको बताने वाले हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और हर एक प्रोग्रामिंग का स्टेप बाय स्टेप आप समझिएगा और खुद से सेल्फ प्रैक्टिस जरूर करिएगा। और कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में करके फिर से बताइएगा, मैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन फिर से आपको दूंगा। ठीक है, और ज़रूर आप समझना, और इसी बेस पे, क्योंकि यही मेन बेस है, कोई भी पैटर्न का प्रोग्रामिंग है बेस एक ही है। ठीक है, इनर लूप चलेगा, आउटर लूप चलेगा, आपको पैटर्न पकड़ना है कि क्या सिस्टम लग रहा है, कैसे आपको प्रिंट करना है। ओके बच्चों, समझ रहे हो ना? तो जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, जिससे कि जो वीडियोस हैं वो आपको तक पहुंचते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन, और ये 15 नंबर का बहुत ही वेरी वेरी स्टार्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है, ये जान लीजिए, जरूर पेपर में छपेगा ऐसा क्वेश्चन, गारंटी के साथ कहता हूं। ठीक है, तो छपने वाले क्वेश्चन को चलिए आज सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है, राइट टू सेपरेट प्रोग्राम टू जनरेट द फॉलोइंग पैटर्न यूजिंग लूप। ठीक है, सेपरेट प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी बोल सकता था कि मीनू ड्रिवन प्रोग्राम बनाइए, लेकिन यहाँ पे तो एक ही प्रोग्राम में मीनू ड्रिवन प्रोग्राम चॉइसेस आपके पास होता था, अकॉर्डिंग टू यूजर चॉइस होता था कि केस वन पे आपका ये प्रिंट करता, केस टू पे आपका ये प्रिंट करता, बट यहाँ से आपसे क्या बोल दिया है, टू सेपरेट प्रोग्राम, तो दो अलग अलग आपको प्रोग्राम बनाने हैं। ठीक है, देख लीजिए पैटर्न क्या, स्टार स्टार हैज स्टार हैज स्टार स्टार हैज स्टार हैज, मतलब स्टार हैज स्टार, दैट मीन्स वन टाइम स्टार प्रिंट करना है, अगले लाइन में वन टाइम स्टार वन हैज, फिर वन हैज वन स्टार, इस तरीके से आपकी प्रोग्रामिंग आगे बढ़ेगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल दे दिया गया है, कल मैंने केवल जो प्रोग्राम बनाया था जहाँ पे केवल स्टार था तो सिंपल प्रोग्राम था, आपका बन गया, बस वही ना, थोड़ा सा प्रोग्राम में कुछ चेंजेस करके डिफिकल्ट लेवल दे दिया जाता है जहाँ पे आपको देखना होगा प्रोग्राम कैसे बनेंगे। इधर आप सेकंड पैटर्न आप देख रहे हो कि रिवर्स ऑर्डर में ट्रायंगल चल रहा है, 5 4 3 2 1, यहाँ पे सीधे ऑर्डर में ट्रायंगल चल रहा था, यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में ट्रायंगल चल रहा है, 5 4 3 2 1, 5 4 3 2, 5 4 3, 5 4 5। ठीक है, तो दोनों प्रोग्राम को हम वन बाय वन देखेंगे और पूरा एक्सप्लेनेशन आपको करेंगे कि इसका आउटपुट कैसे आ रहा है, प्रिंट कैसे कर रहा है। तो प्लीज़ चैनल पे बने रहो, वीडियो को अंत तक देखो, तभी आप प्रोग्रामिंग को समझ पाओगे। अगर आप वीडियो को एक मिनट दो मिनट देख करके भाग जाओगे तो आप कभी भी नहीं समझोगे। मैं बार बार कहता हूँ, जिन बच्चों को कोडिंग समझना है सीखना है वो मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि बच्चा सेलेक्ट वही होगा, टॉप वही करेगा, अच्छे से रिजल्ट वही देगा जो हमारे साथ अंत तक बना रहेगा। जो एक मिनट दो मिनट में भागेगा वो कभी रिजल्ट नहीं दे सकता है। ओके बच्चों, तो चलिए ठीक है, अब बिल्कुल भी बातें नहीं करेंगे और हम प्रोग्राम की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट प्रोग्राम देखेंगे कि ये आपका कैसे बना हुआ, तो पैटर्न आप देख लो। ठीक है, अभी हम रफ कर दे रहे हैं, फिर हम बाद में आपको पैटर्न बना के दिखाएंगे कैसे बनेगा। तो चलिए फर्स्ट पैटर्न की अगर हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पैकेज लगाने की यहाँ कोई खास जरूरत नहीं है, आप चाहो तो लगा भी सकते हो। ठीक है, क्योंकि कोई इनपुट तो हमें लेना नहीं है, हम डायरेक्ट क्लास बना लेते हैं, पब्लिक क्लास हम क्या दे लेते हैं, पैटर्न ले लेते हैं, पैटर्न वन। ठीक है, एंड मेन मेथड बना लेंगे बेटा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग AR। ठीक है, स्क्वायर ब्रेकर लगा के और मेन का ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे। अब टू वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे, इंट आई और जे, लूप कंट्रोल वेरिएबल होगा, कुछ नहीं लगाना, कोई स्कैनर नहीं लगाना, कोई मैसेज नहीं देना है। आप मैसेज डिस्प्ले कराना चाहते हो तो आप यहाँ पे मैसेज दे सकते हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन फॉलोइंग पैटर्न आर। ठीक है, जो भी आप मैसेज देना चाहें, बट हम डायरेक्ट प्रिंट करा लेते हैं। अब आप लूप चला दोगे फॉर I इज इक्वल टू वन, कहाँ तक चलेगा आपका, 5 टाइम चल रहा था, सो I लेस देन इक्वल 5 I प्लस प्लस। ठीक है, और इसी लूप के अंदर एक और फॉर लूप लगा लेंगे, फॉर J से चलेगा आपका, J इज इक्वल टू वन, J लेस देन इक्वल I एंड J प्लस प्लस, और इसके बीच में। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अभी कल हमने यहीं पर अगर केवल स्टार होता तो हम यहीं पर प्रिंट करा देते, लेकिन अब कंडीशन लगाएंगे, आपका पैटर्न क्या था, एक स्टार था, फिर स्टार के बाद हैज था आपका, फिर स्टार, फिर हैज, फिर स्टार, स्टार हैज, स्टार हैज, स्टार हैज, स्टार हैज एंड स्टार।
यही प्रोग्रामिंग थी, ठीक है। तो अब देख रहे हो कि आपका इवन नंबर पर क्या है, आपका हैज है, एंड ऑड नंबर पे क्या है, स्टार है। तो हम इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा देंगे, कंडीशन लगा देंगे बेटा, इफ इफ जे रिमाइंडर टू डबल इक्वल जीरो, अगर जे का रिमाइंडर टू के साथ डबल इक्वल में जीरो आता है तो हम यहीं पर प्रिंट करा लेंगे बच्चों, यहीं पर हम प्रिंट करा लेंगे बच्चों क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और क्या प्रिंट करा देंगे, थोड़े से स्पेस पे या इन्वर्टेड कॉमा के बीच में हम जो है यहाँ पे स्टार, सॉरी क्या प्रिंट कर, हैश को हम क्या करेंगे, प्रिंट करा लेंगे। और ऐसा नहीं है एल्स, ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे, एल्स लिखेंगे, और एल्स में फिर क्या प्रिंट करा देंगे हम यहाँ पे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे हम क्या प्रिंट करा लेंगे, स्टार को प्रिंट करा लेंगे। और इसके बाद इनर लूप को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। जब इनर लूप हमारा क्लोज हो जाएगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके बाद में, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिख देंगे, क्या करेंगे बेटा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिख करके, ठीक है, आउटर लूप फॉर को भी क्लोज कर देंगे, आउटर लूप हमारा फॉर भी क्लोज हो जाएगा, और इसके बाद मेन भी क्लोज हो जाएगा, और यहाँ पे आपका क्लास भी क्लोज हो जाएगा। तो बस सिंपल सा आपका प्रोग्रामिंग बनके क्या हो गया, रेडी हो गया है इस पैटर्न का, ठीक है। देख लीजिए, मेन मेथड आपने बना लिया, ठीक है, इंट आई जे आपने ले लिया, लूप चलाया, आई इज इक्वल टू वन, आई लेस देन इक्वल फाइव, आई प्लस प्लस, इनर लूप आपका जो चलेगा जे इज इक्वल टू वन, ठीक है, जे लेस देन आई, जे प्लस प्लस, कंडीशन आपने दे दिया जे रिमाइंडर टू इज इक्वल टू जीरो, अगर इवन नंबर आएगा तो हैश प्रिंट करेगा, अगर इवन नंबर नहीं आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है, तो ऑड नंबर पे क्या प्रिंट कर देगा आपका, स्टार प्रिंट कर देगा, ओके। और इसके बाद इनर लूप आपका क्लोज हो जाएगा, फिर नेक्स्ट लाइन हम ट्रांसफर कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, आउटर लूप क्लोज कर देंगे, मेन मेथड बन करके हम क्लास को भी क्लोज कर देंगे। तो बेटा ये आपकी प्रोग्रामिंग जो है वो बनकर तैयार हो गई है, ठीक है। अब चलिए हम इसका अगर आउटपुट समझते हैं कि इसका आउटपुट कैसे आएगा, तो हम आपको इसका आउटपुट समझा देते हैं। तो चलिए हम मेन मेथड तक क्लास को यहाँ पर रफ कर देते हैं, ठीक है, मेन मेथड हम रफ कर देते हैं, ठीक है, मेन प्रोग्रामिंग की कोडिंग आपकी लिखी हुई है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आई की वैल्यू कितना हुआ आपका, वन हुआ, आई की वैल्यू वन है, कंडीशन चेक करेगा वन लेस देन इक्वल फाइव, कंडीशन आपका क्या है, ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो कर्सर आएगा इनर लूप में, जहाँ पे जे की वैल्यू हो जाएगा वन, कंडीशन चेक करेगा वन लेस देन इक्वल वन, कंडीशन आपका क्या है, ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर कंडीशन चेक करेगा वन रिमाइंडर टू डबल इक्वल जीरो, क्या एक का दो के साथ रिमाइंडर जीरो आएगा, नहीं आएगा, कंडीशन क्या है आपका, फॉल्स है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो क्या आएगा, सिस्टम डॉट प्रिंट क्या प्रिंट कर देगा आपका, स्टार प्रिंट कर देगा, क्या प्रिंट कर देगा, स्टार प्रिंट करेगा, कर्सर यहाँ पे आएगा, ये कंट्रोल को कहाँ ट्रांसफर करेगा आपका, जे प्लस प्लस पे। अब इसके बाद जे की वैल्यू कितना हो जाएगा, टू, कर्सर फिर से यहाँ पे कंडीशन पे आएगा, टू लेस देन इक्वल आई, आई की वैल्यू अभी कितना है, वन ही है, कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, कंट्रोल यहाँ से आपका इनर लूप से एग्जिट आएगा, सिस्टम आउट प्रिंट एलन, ये कर्सर को क्या करेगा आपको, नेक्स्ट लाइन पे ट्रांसफर कर देगा, फिर यहाँ आउटर लूप पे आएंगे, ये आपका क्या है, आउटर लूप क्लोज है, यहाँ पे आउटर लूप आपका क्लोज है, आउटर लूप कंडीशन को ट्रांसफर करेगा कंट्रोल को अपडेट एक्सप्रेशन पे, तो अब आई की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, आई की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, टू हो जाएगा, और फिर कंडीशन चेक करेगा टू लेस देन इक्वल फाइव, कंडीशन क्या है, ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो फिर इनर लूप में कर्सर जाएगा, और यहाँ फिर जे इज इक्वल टू वन होगा, और कंडीशन चेक करेगा इस बार वन लेस देन इक्वल टू तक, कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे आएगा कर्सर चेक करेगा टू रिमाइंडर टू डबल इक्वल जीरो, यस, कंडीशन आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया, टू रिमाइंडर टू जीरो ट्रू है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, क्या प्रिंट कर देगा, सॉरी, अभी फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू कितना था, जे की वैल्यू वन था, फर्स्ट टाइम कितना था, जे की वैल्यू वन है ना, तो जे की वैल्यू वन है तो वन रिमाइंडर टू आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो एल्स में जाके क्या प्रिंट कर देगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टार प्रिंट कर देगा, कर्सर आपका फिर जाएगा जे प्लस प्लस पे, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू हो जाएगी, तो दूसरी टाइम जब कंडीशन चेक करेगा टू लेस देन इक्वल टू, कंडीशन क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा, अगर कंडीशन ट्रू हो गया तो फिर यहाँ पे चेक करेगा टू रिमाइंडर टू डबल इक्वल जीरो, यस, कंडीशन ट्रू हो जाएगा, तो इस बार क्या प्रिंट कर देगा आपका, हैश प्रिंट कर देगा, ठीक है। ऐसे जे की वैल्यू थ्री होगा, फॉल्स होगा, फिर से नेक्स्ट लाइन ट्रांसफर होगा,
फिर हम आउटर लूप में जाएंगे, मतलब इस तरीके से हम लूप चलाते रहेंगे जब तक कि सारी चीज़ें प्रिंट ना हो जाएं, कंडीशन फॉल्स ना हो जाएं, तब तक लूप एग्जीक्यूट करेगा और इसके बाद फिर हमारा प्रोग्राम से बाहर आएगा और ये पैटर्न आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा। आई बात समझ में? तो अच्छा प्रोग्राम है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेटा, बस खाली दो लाइन आपको ध्यान रखना है, आई इक्वल वन, आई लेस देन इक्वल फाइव, आई प्लस प्लस, इसी लूप के अंदर जे इज इक्वल टू वन, जे लेस देन इक्वल आई। अगर सीधा पैटर्न आपको ऐसे प्रिंट कराना, सीधा ट्रायंगल, तो हमेशा याद रखना जे की वैल्यू आई टाइम चलेगा आपका, ठीक है, जे प्लस प्लस, ठीक है, टू से रिमाइंडर कर दो, अगर इवन नंबर पे कुछ है तो यहाँ प्रिंट करा दो, एल्स ऑड नंबर पे प्रिंट करा दो, इनर लूप को क्लोज कर दो, एस ओ पी एल एन लगा के आउटर लूप क्लोज करके मेन मेथड और क्लास को क्लोज कर दो, प्रोग्रामिंग आपका बन गया फर्स्ट सेक्शन। आई बात समझ में? कोई भी डाउट नहीं है, वेरी गुड, प्रोग्राम को देख लेना, नहीं समझ में आए वीडियो को रिमाइंड करके दो बार तीन बार देखोगे जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है, हमें दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब नेक्स्ट प्रोग्राम पे देखते हैं, इसका जो सेकंड पैटर्न था वो कैसे बनेगा उसको भी देख लेते हैं। ओके बच्चों, तो आपका सेकंड पैटर्न आपका ये था 5 4 3 2 1, 5 4 3 2, 5 4 3, 5 4 एंड 5, ठीक है, हमें इसको क्या करना है, प्रिंट कराना है डिस्प्ले को। तो ये तो बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, ठीक है, डायरेक्ट आप क्या लिखोगे, क्लास बनाओगे पब्लिक, ठीक है, पब्लिक क्लास, ठीक है, पैटर्न टू बना लिया मैंने, फिर आप क्या करोगे, मेन मेथड लिखोगे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, एंड क्या करोगे बच्चों, स्ट्रिंग एआरजीएस लगा के, ठीक है, और फिर आप इसको मेन का कर्ली ब्रेसेस लगा लोगे। आई बात समझ में? अब इसके बाद वेरिएबल डिक्लेयर कर लो, इंट आई और जे हो जाएगा, लूप चला दो फटाक से, आई इज इक्वल टू वन, ठीक है, आई लेस देन इक्वल फाइव, आई प्लस प्लस, पहला लूप तो आपका सेम चलेगा, दूसरा लूप चेंज हो जाएगा, याद रखना अगर रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है तो जे की वैल्यू 5 इनिशियलाइज कर लेना और यहाँ पे जे इज ग्रेटर देन इक्वल 1 हो जाएगा और जे माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर उल्टा ट्रायंगल प्रिंट कराना है तो जे वाले लूप को अपोजिट डायरेक्शन में चला दो, रिवर्स ऑर्डर में चला दो, जे की वैल्यू 5, जे इज ग्रेटर देन इक्वल 1 एंड जे माइनस माइनस, और कुछ नहीं करना है इसके अंदर, आप क्या कर दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट जो है सिंपल सा, किसको प्रिंट करा दो, जे को आप प्रिंट करा दो, चाहो तो थोड़ा स्पेस दे देते हैं और इसके बाद इनर को क्लोज कर देंगे, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, नेक्स्ट लाइन कंसर को ट्रांसफर करेंगे, आउटर लूप तीनों ब्रैकेट हम क्या करेंगे यहाँ पे क्लोज कर देंगे और सीधी सी आपकी जो प्रोग्रामिंग वो बन के यहाँ पे तैयार हो गई है। तो इस तरीके से हम पूरे प्रोग्राम को क्या करते हैं, बना लेते हैं। आई बात समझ में? आउटपुट चेक करना बेटा, चेक कर लो, जब फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 1 होगा, कंडीशन ट्रू होगा, यहाँ पे आएगा तो जे की वैल्यू 5 है और ये 1 है, तो 1 है, जे की वैल्यू 5 है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये एक बार लूप चलेगा तो इनर लूप आपका 5 बार चलेगा, ठीक है, और 5 बार ये चलेगा फर्स्ट टाइम पे, तो 5 बार रिवर्स ऑर्डर में नंबर को प्रिंट कर देगा 5 4 3 2 1। जब ये लूप फॉल्स होगा, नेक्स्ट लाइन ट्रांसफर होगा, फिर से जब आई की वैल्यू 2 होगी तो यहाँ पे जब कर्सर आएगा तो पहली बार ये लूप आपका, जब फर्स्ट टाइम ये आउटर लूप चल रहा था तो इनर लूप 5 टाइम चलेगा, सेकंड टाइम जब आउटर लूप चलेगा ट्रू होगा तो सेकंड टाइम पे ये 4 टाइम चलेगा, जब ये थर्ड टाइम पे 3 टाइम चलेगा, 4 टाइम पे 2 टाइम चलेगा, एंड जब ये 5 टाइम होगा तो ये कितनी बार लूप चलेगा आपका, 1 टाइम चलेगा, ठीक है, और इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में नंबर्स को आपका क्या करेगा, प्रिंट करा देगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो बहुत मेहनत से मैं बेटा प्रोग्रामिंग आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, इसलिए मैं आपके सामने आज पसीना बहा रहा हूँ, और जो बच्चा आज अंत तक मेरे साथ ये पसीना बहाया होगा, एक दिन वो जरूर जो है टॉप करके आएगा, पूरी कोडिंग को सीखेगा, ठीक है, और अच्छे मार्क्स लेकर के आएगा, ठीक है। तो बेटा बहुत इजी है, पैटर्न में कुछ नहीं करना है, सिंपल सा लूप आपको चलाना है और सिस्टम आपको देखना है। मैंने कह दिया अगर आपका सीधा ट्रायंगल चलेगा तो यहाँ पे आपका दोनों सीधे लूप चलेंगे, अगर अपोजिट ट्रायंगल चल रहा है तो दूसरा वाला अपोजिट चलेगा। ओके बच्चों, तो ठीक है, अगले सीरीज में कुछ नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।